हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक इन माय चैनल प्रीतिस केक एंड कुकिंग। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन फॉर माय ऑल नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। आज की हमारी रेसिपी है पास्ता मैक्रोनी, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है, उसे हम बेक करने वाले हैं जिससे वो और भी टेस्टी लगेगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने मैक्रोनी बनाने के लिए एक नॉनस्टिक पैन में पानी गरम कर लिया है। जब हमारा पानी अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम उसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने लगभग 300 ग्राम मैक्रोनी का यूज़ किया है। फिर हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे और 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, नमक और ऑयल डालने से हमारी जो मैक्रोनी उबलने के बाद में बिल्कुल चिपचिपी नहीं बनेगी, बिल्कुल खुली खुली बनेगी। ये हमें इसे हाई फ्लेम पे ही उबालना है और 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे उबालेंगे। देखिए मैक्रोनी उबल के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे छलनी से छान लेंगे, इसका जो पानी है वो इससे अलग कर देंगे। अब हम मैक्रोनी के ऊपर ठंडा पानी डालेंगे। ठंडा पानी डालने से फ्रेंड्स मैक्रोनी ओवर कुक नहीं होगी और ये बिल्कुल खिली खिली बनेगी। फिर यहाँ पे हमने एक नॉनस्टिक पैन लिया है, इसमें मैंने 1 चम्मच बटर ऐड किया है। फिर हम इसमें लगभग 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लेंगे। फिर हम बटर को ऑयल के साथ में मेल्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे मैंने लगभग 1.5 कप चॉप्ड ऑनियन लिए हैं, इसे सॉटे कर लेंगे। और इसमें लगभग 1/2 कटोरी चॉप्ड कैरेट एंड 1/4 कटोरी चॉप्ड कैप्सिकम ली है, इन सबको सॉटे कर लेंगे अच्छे से। फिर हम इसमें लगभग 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक ऐड की है मैंने एंड 1 कप उबले हुए कॉर्न लिए हैं, इन सबको थोड़ा सॉटे कर लेंगे, ज़्यादा गलाना नहीं है, इसे हल्का ही कुक करेंगे। फिर हम इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट जैसे कि रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट ऐड करेंगे। फिर हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट पकने के बाद में हम इसमें उबली हुई मैक्रोनी ऐड करेंगे। फिर हम मैक्रोनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे वेजिटेबल्स के साथ। फिर मैंने इसमें थोड़ा नमक टेस्ट किया है, तो मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने नमक ऐड किया है। और इसमें थोड़े से बेजिल लीव्स ऐड किए हैं मैंने, बेजिल लीव्स का ही सूखा हुआ पाउडर है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम वाइट सॉस रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून बटर लिया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून मैदा रिफाइंड फ्लोर ऐड करेंगे और इसे हल्का सेकेंगे। गैस की फ्लेम को लो ही रखना है, हाई नहीं करना है। मुझे बटर कम लग रहा था तो मैंने 1 टेबलस्पून बटर और ऐड किया है, तो यहाँ पे हमने लगभग 2 टेबलस्पून बटर ऐड किया है और 2 टेबलस्पून ही मैदा लिया है। हमें मैदे को ज़्यादा नहीं सेकना है, लाइट ही सेकना है उसे लगभग 1 मिनट के लिए। 1/4 टेबलस्पून नमक और थोड़ा सा मिक्स हर्ब्स लिया है मैंने, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने अभी 1/4 ग्लास दूध ऐड किया है। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हिलाते रहेंगे चम्मच की सहायता से। फिर हम इसमें 1/4 ग्लास दूध और ऐड करेंगे। इस तरह से हमने लगभग 1 ग्लास दूध ऐड किया है इसमें। इसमें गुठली नहीं पड़नी चाहिए फ्रेंड्स, इसे हमें लगातार हिलाना है। फिर पास्ता को बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्लास का बोल लिया है एक स्क्वायर शेप में। इसे मैं अच्छे से ग्रीस कर लूँगी बटर के साथ में और फिर इसमें हम एक पिज्ज़ा सॉस की लेयर लगाएंगे। यहाँ पर मैंने बाहर की पिज़्ज़ा सॉस ली है मार्केट की, आप चाहे तो इसे घर पे भी बना सकते हैं।
फिर जो हमने वाइट सॉस रेडी की थी पिज़्ज़ा सॉस के ऊपर, हमें उसकी भी एक लेयर लगानी है अच्छे से। हम इसके चारों तरफ अच्छे से एक वाइट सॉस की लेयर लगा देंगे और इसे इवनली स्प्रेड कर देंगे। फिर जो हमने मैक्रोनी रेडी की थी उसे हम इसके ऊपर फैला देंगे अच्छे से। हमें पूरा ऊपर तक नहीं भरना है, हमें थोड़ा स्पेस रखना है बोल में। और अब हम इसमें वाइट सॉस की एक लेयर लगा देंगे चारों तरफ इसके, उसे इवनली स्प्रेड कर देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैंने चेदार चीज़ और मोजरेला चीज़ का ब्लेंड लिया है, इसे अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लेंगे चारों तरफ। और मैंने 2 प्रोसेस क्यूब्स ली है, इसे भी अच्छे से क्रश कर लेंगे इसके चारों तरफ। अगर आपके पास चेदार चीज़ मोजरेला चीज़ नहीं है तो आपके पास जो अवेलेबल है वो आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने OTG को 180 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट कर लिया था। फिर हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। अब देखिए हमारा बेक्ड मैक्रोनी बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा बेजिल लीव्स डाल देंगे। मेरे पास ये सुखाए हुए पाउडर बेजिल लीव्स है, इसको मैंने ऐड किया है। आई होप यू ऑल इन्जॉय माई रेसिपी। So if you like my recipe, please subscribe my channel and do not forget to click the bell icon for all notifications of my upcoming videos. So bye bye, see you in next video with new interesting recipe.